दिल्ली के हॉस्पिटल्स में वैसे तो काफ़ी बेड्स हैं, पर आईसीयू बेड्स अभी थोड़ी सी दिक्कत आने चालू हुई है। तो कल दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 33 जो बड़े हॉस्पिटल जिसमें आईसीयू के ज़्यादा बेड हैं, उन हॉस्पिटल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई, उनको आदेश दिया गया है कि 80% ऑफ द आईसीयू बेड्स, जो उनके यहाँ पर जितने भी आईसीयू बेड्स हैं उसका 80% कोविड के लिए रखना होगा, 20% बाकी चीज़ों के लिए रख सकते हैं। और जो अगर ऑक्यूपाइड बेड हैं तो खाली होने के बाद वो उसमें आ जाएंगे, और जो खाली है वो तुरंत प्रभाव से इसके अंदर लागू होगा। साथ ही साथ हमने हॉस्पिटल्स को 30% जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको 30% जो कोविड का इलाज कर रहे हैं 30% तक बेड बढ़ाने का आदेश दिया है कि वो चाहें तो 30% तक बेड बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो किसी हॉस्पिटल के 100 बेड सेंक्शनड हैं तो वो 130 तक कर सकता है, जिसके 200 हैं तो वो 260 कर सकता है, जिसके 500 है तो वो 650 बेड भी कर सकता है, और जो नए बेड होंगे सारे के सारे वो कोविड के लिए यूज़ किया है इसमें। देखिएगा नहीं, देखिएगा बेड का ना आईसीयू बेड्स की थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और हो क्या रहा है कि आईसीयू बेड्स भी अवेलेबल तो हैं, बट क्या होता है कि पर्टिकुलर चॉइस वाले हॉस्पिटल्स की बात हो गई है, तो इसलिए जो जहाँ पर ज़्यादा डिमांड है उन हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। ये प्राइवेट के लिए किए गए, सारे प्राइवेट हैं। देखिए हॉस्पिटल्स का हमने पता किया था अभी कोविड के लिए तो बेड्स की ज़्यादा डिमांड है, बाकी हॉस्पिटल में काफ़ी बेड्स खाली हैं काफ़ी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है। देखिएगा मैंने बताया ना अभी भी हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या की कमी नहीं है, दिक्कत नहीं है, 50% से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स की दिक्कत आ रही है, इसलिए देखिए मैं आपको बताऊँ 14,372 बेड हैं दिल्ली में कोविड के, जिसमें से 7,938 इस टाइम मैं लाइव ऐप के ऊपर देख रहा हूँ अभी भी 50% से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं, परंतु क्योंकि आईसीयू बेड्स के लिए ऐसा ना हो कि आईसीयू इमरजेंसी की जरूरत होती है उस टाइम पर दिक्कत ना हो इसलिए बढ़ाया जा रहा है। सफिशियंट है, अभी भी काफ़ी जगह पर अवेलेबल हैं, और केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी आईसीयू बेड अभी अवेलेबल हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग ख़त्म हो गए थे, इसलिए कल उसको बढ़ाया जा रहा है। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अब लॉकडाउन का समय निकल चुका है, आज हमारे को इतना एक्सपीरियंस लॉकडाउन के बाद मिल चुका है कि जो जो भी इसको रोकने के तरीके हैं साधन हैं, सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो मास्क है। अगर आप मास्क लगाते हैं तो काफ़ी हद तक इसके इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन कीजिएगा और मास्क लगाइए। कुछ लोगों ने देखो पीछे क्या हुआ, मास्क लगाना ही बंद कर दिया था, अब फिर से उसके पूरा बयान चला जा रहा है, मुख्यमंत्री जी का IVR सभी लोगों को दिल्ली में किया जा रहा है, FM पे भी कर रहे हैं, ऐड भी दे रहे हैं, तो उसको बड़े अभियान की तरह हम बता रहे हैं, हर माध्यम से बता रहे हैं कि मास्क ज़रूर लगाइएगा, अगर आप किसी के भी कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी से बात करते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए।